सच साहस सरोकार। बागी विधायकों को लेकर नरम हुए उद्धव ठाकरे बोले, आप दिल से शिवसेना में आइए, साथ बैठकर बात कीजिए। पात्रचौल लैंड स्कैम में संजय राउत को दूसरा सवाल, ईडी ने 1 जुलाई को पेश होने को कहा। योगी कैबिनेट की हुई बैठक, 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर, प्रदेश में बनेंगे 4 डाटा सेंटर। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, कहा 100 दिनों का लक्ष्य 30 जून तक पूर्ण किया जाए। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामले, ओमिक्रॉन के BA.5 सब वेरिएंट की हुई पुष्टि। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। आजमगढ़ में उपचुनाव जीतने के बाद लखनऊ पहुंचे आजमगढ़ के नव निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आज प्राइम टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ये मेरी जीत नहीं, ये हमारी पार्टी और संगठन की जीत है। देखिए और क्या कुछ कहा। आजमगढ़ में जीतने के बाद दिनेश लाल यादव जी आज लखनऊ में पहुंचे हैं। सर, आजमगढ़ आपने जीत लिया, चुनाव से पहले सब कह रहे थे कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने सारी बातों को झुठला दिया, आपने जीत हासिल की, क्या कहें? मुझे लगता है कि ये जीत जो है वो पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की जो सरकार है उसके कल्याणकारी योजनाओं की वजह से हुई है। जनता तक लाभ पहुँच रहा है और कहीं ना कहीं जनता को ये पता चल चुका है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ था वो पिछड़ा हुआ था, और अगर उस गढ़ को भी तरक्की देना है, विकास के रास्ते पे लेके चलना है, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के सरकार के साथ ही जोड़ना पड़ेगा, इसलिए जनता ने ये फैसला लिया है। विपक्ष अभी भी हार नहीं मान रहा, वो कह रहा है अगर मायावती का साथ आपको नहीं मिलता तो आप नहीं जीत पाते। उनको बताइए कि वो पिछली बार मायावती जी के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ते तो पिछली बार ही हार जाते, ये बताइए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बहुत अहम लड़ाई हमने लड़ी और बहुत अहम जो जीत है वो हमने हासिल की है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। खबर अयोध्या से है जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित ओलंपियाड टॉर्च रैली का स्वागत करने पहुंचे। इस रैली को गोरखपुर के लिए रवाना किया, जिसके बाद अयोध्या में युवाओं में शतरंज खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित भारतीय शतरंज महासंघ प्रथम शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले समारोह का भी उद्घाटन किया। जैसा देखा 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन भारत में होने जा रहा है और यह पूरा आयोजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है, उनके इनिशिएटिव से हुआ है। भारत में हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस खेल का शतरंज का की शुरुआत भारत से ही हुई है और उसे पुनः स्थापित करना, भारत में उसको उसकी जड़ें फिर से ला करके रोपित करना, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही एक ऐतिहासिक। खबर अयोध्या से है जहां ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने उत्तर प्रदेश की जनता से समय पर बिजली का बिल जमा करने का अनुरोध किया और कहा कि अगर समय से बिजली बिल जमा नहीं करेंगे तो कनेक्शन काट दिया जाएगा और 10,000 रुपए से ज्यादा के बिल वाले बकायेदार तुरंत भुगतान करें, नहीं तो अभियान के दौरान उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। मुफ्त समाधान योजना जिसको OTS भी कहते हैं, उस योजना में वर्तमान स्थिति में 20 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और 1400-1500 करोड़ रुपया जो उसकी किस्त है उस किस्त के रूप में जमा हो चुका है। और यह योजना, मैं आप सबसे बात विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ, यह योजना अब खाली 3 दिन में समाप्त होने वाली है, 30 तारीख तक ही है, तो आज कल और परसों खाली ये 3 दिन ही बचे हैं इस योजना के पूर्ण होने में, इसलिए मैं आप सबके मार्फत जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस योजना का लाभ उठाएं। लगभग 30 से 40% तक इस योजना का लाभ में शामिल होने के बाद उनकी बिल में राहत।
खबर कानपुर से है, जहां पूर्व मीर पुलिस चौकी से 1 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे करीब 1 साल से अवैध तरीके से डीजल पेट्रोल के सभी टैंकर से पेट्रोल निकालकर अवैध तरीके से कमाई करते थे। बता दें, इस मामले पर कई बार कार्रवाई की जा चुकी है, फिर भी अभी तक इस डीजल पेट्रोल के गोरख धंधे का अवैध कारोबार लगातार जारी है। आखिर कब जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेगा और उचित कार्रवाई होगी, ये समय बताएगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां तेज रफ्तार के कहर ने एक बुजुर्ग की जान ले ली, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मामले की सूचना को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया और आगे की जांच में जुट गई। चाचा जी अलीगढ़ से सर्विस करके गाँव आ रहे थे और जारठ कॉलेज के सामने इस गाड़ी के जो ड्राइवर था उसने ओवरटेक करी और उनको रॉन्ग साइड पे एक्सीडेंट मार दिया। अब यथास्थिति पे ख़त्म हो गई। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पुलिस अच्छी कार्रवाई करे। और क्या आरोपी और गाड़ी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया? आरोपी और गाड़ी को हिरासत में ले लिया है। गाड़ी वाला भाग रहा था, वहाँ आसली चौकी जाके गाड़ी वाले को पकड़ा और पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। हम चाहते हैं पुलिस से खिलाफ। हमीरपुर जिले की मौदा नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, तो वहीं अब इस बार पेयजल समस्या को लेकर अनशन पर बैठे कुछ लोगों ने एक और भ्रष्टाचार से जुड़ा मोर्चा खोल दिया है। पेयजल समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी है और कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक ये लोग अनवरत अनशन जारी रखेंगे। नगर मौदा में भीषण पेयजल की समस्या को लेकर हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं और नगरवासी पानी की बूंद बूंद पानी के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। बीते कई दिनों से जनपद के आला अधिकारियों को लगातार पेयजल की समस्या से अवगत कराया जाता रहा है, लेकिन किसी अधिकारी ने इस तरफ ध्यान आकर्षित करना जरूरी नहीं समझा। आप देख लीजिए, मौदा में नगर में बूंद बूंद के लिए पब्लिक तरस रही है और पालिका ने अभी लगभग 2 करोड़ रुपए दिया। अब 2 करोड़ रुपए में 2 बोर हुए इनके, अब कहीं 100 मीटर के आसपास पाइपलाइन है। जब इन एस्टीमेट देखा तो एक ट्यूबवेल का एस्टीमेट 50 लाख रुपए है। अब किसान जब वही बोर कराता है तो कम से कम 5 लाख रुपए में बोर कंप्लीट हो जाता है, वो 3 इंची पानी दे रहा है। इनका बोर 50 लाख में 2 इंची पानी दे रहा है, 25 लाख रुपए पर इंची पड़ रहा है। तो ये भ्रष्टाचारी साफ नजर आ रही है, ये भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ रही है पब्लिक। समस्या ये है कि मौदा में 14 नलकों प्रस्तावित है, यहाँ पे 14 नलकों में जो डायरेक्ट टंकी बनने वाले नलकों में, तो टंकी बनने के बाद समर्थन सप्लाई ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन जो नगर में डायरेक्ट सप्लाई चल रहा है इसमें वाटर लीक घटने के कारण से रिचार्ज हमको कम हो गया है। इस कारण से कुछ क्षेत्रों में पानी समस्या आ रही है, जिस क्षेत्र में पानी समस्या आ रही है वहाँ पर नगर पालिका खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों का पर्दाफाश किया और चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल को बरामद करने में सफलता हासिल की और वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें, पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। पिछले दिनों नगर में वाहन चोरी की संख्या वृद्धि हुई है, जल्दी जल्दी कौन सी गाड़ियाँ चोरी हुई, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर वाहन चोरों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के तहत चौकी जांच हेलीकॉप्टर और शक्कर पिपली के द्वारा एक चोर गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें हैं, जिनमें से 2 पिपली थाने की चोरी के हैं और 2 अनपरा थाने के हैं, बरामद की गई है और मुंजिम एक। खबर संभल से है, जहां जिला अस्पताल में भीषण आग लग गई, वहीं अस्पताल की 4थी मंजिल पर आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के पास आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं थे, जिससे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ देखने को मिली।
ये संयुक्त जिला चिकित्सालय है, इसके थर्ड फ्लोर पे आज शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसको तत्काल फायर ब्रिगेड द्वारा पहुंच के नियंत्रित किया गया। इसमें कोई जनहानि नहीं है, उस समय उसमें कोई मरीज नहीं था, जो उस पर जनरल वार्ड है ऊपर एकदम, उसमें कोई मरीज नहीं था एडमिट, और गद्दे वगैरह जले हैं। आग को नियंत्रित कर लिया गया है, बाकी चीज़ें आग लगने की वजह देखिए। यहाँ पर आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। लगभग 10:40 पर धुआं ऊपर चौथी मंजिल से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जिस जगह से धुआं उठ रहा था वहाँ पर ना हमारा कोई वार्ड, मतलब वार्ड है पर वहाँ पर कोई हमारा मरीज भर्ती नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर अभी एक हॉस्पिटल था, यहाँ एशियन हॉस्पिटल करके, तो हमारा कुछ सामान वहाँ गया हुआ था, तो अभी वो सामान वहाँ से वापस हुआ था, तो वही सामान उनका कुछ गद्दे वद्दे वहाँ पे रखे हुए, उसमें फिर क्या हुआ, धुआं उठा। धुआं उठते ही हम लोग की अग्निशासक दल द्वारा हम लोग की अभी 2 बार ट्रेनिंग हुई थी, तो हमारे सारे कर्मचारी जितने मामला हुआ 20 सिलेंडर थे वो लेके तुरंत वहाँ पहुँचे। आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोगों ने किसी वीडियो भी बनाया है, उन लोगों ने पूरी जी जान लगा के अपना प्रॉपर मास्क वास लगा के उस आग को बुझाया वहाँ पर, और आग कम हो गई। इसी बीच दमकल विभाग को भी सूचना गई और वो भी तुरंत वहाँ पर आ गए। आज अभी लगभग 20-25 मिनट पहले, लगभग 10:30-11 के आसपास, संभल में जो जिला संयुक्त चिकित्सालय है उसके चौथे फ्लोर पर एक छोटी सी शॉर्ट सर्किट की घटना होने के कारण एक बेड में आग लगने की घटना हुई थी। उस फ्लोर पे किसी भी प्रकार के कोई पेशेंट्स नहीं थे, जिस कारण कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई है। वहाँ पर जितने भी चिकित्सक और स्टाफ थे उनकी हाल ही में फायर संबंधित ट्रेनिंग भी करवाई गई थी, फायर ड्रिल करवाई गई थी, जिसके कारण उन्होंने वहाँ पर अपने उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाया। दमकल गाड़ी और खबर गाजियाबाद से है, जहां जेवा एग्रो फूड फैक्ट्री के पास झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक युवक की पहचान के प्रयास में जुट गई। नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया है? ये एक डेड बॉडी मिली थी, मैं निकलता हुआ रहा टूटी से, तो देखा पुलिस की जिसकी खड़ी थी, तो नंगी व्यवस्था में, तब मतलब ज़्यादा उम्र का बच्चा नहीं है, अरे या तो दारू वारू पी रखे या जैसे मारपीट करके उसकी लाश मिली है। अच्छा, कैसी हालत में मिली है, कहाँ पर है? डासना बम्बे के पास। अच्छा, कैसी हालत में मिली है? क्या पुलिस आ गई है मौके पर? जब एकदम पुलिस आई, अब उसकी डेड बॉडी को पैक करा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, जिला जज बब्बू सारंग और एसएसपी कलानिधि नेथानी ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया और सभी सुविधाओं को बारीकी से चेक कर जेल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि सिविल लाइन थाना इलाके के जिला कारागार में निरीक्षण किया गया। बता दें कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स को देखकर जेल में बंद कैदियों में हड़कंप मच गया। अलीगढ़ जेल के मुआयने में एक सामान्य रूप से जो भोजनालय है उसका निरीक्षण किया गया है, उसमें भोजन की गुणवत्ता को देखा गया है, बेहतर गुणवत्ता है। अस्पताल में भी जो मरीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट को देखा गया कि डॉक्टर सही या नहीं, या किसी को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसका ट्रीटमेंट ना हो पा रहा हो। बंदियों से बातचीत की गई है, तो सामान्य जो जिला जेल प्रशासन की व्यवस्थाएँ हैं, जो जेल में कैदियों को हमें सुविधाएँ देनी रहती है, वो यहाँ पर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर साइबर सेल और इंदिरापुरम थाना क्षेत्र पुलिस ने साइबर ठगी की घटना का खुलासा करते हुए एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगों पर गाजियाबाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तार हुए आरोपियों ने लोगों के रोजर पे अकाउंट में से करीब 35 लाख रुपए से ज्यादा रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली है। आपको बता दें कि गिरफ्तार ठग को गाजियाबाद पुलिस ने महाराष्ट्र के नयागांव इलाके से गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इस गैंग के अन्य सदस्य की तलाश में जुट गई है। और गाजियाबाद से जुड़े हुए दो अन्य मामले अभी तक ट्रेस हुए हैं और आप मीडिया के माध्यम से जानकारी होने पे और अन्य इनके डेटा से सर्च करने पे अन्य मामले प्रकाश में आएंगे, तो वो भी पंजीकृत।
खबर अमेठी से है, जहां के बीजेपी विधायक ने अपनी ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। दरअसल थाना अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज बीजेपी विधायक सुरेश पासी के नेतृत्व में प्रधान संघ के अध्यक्ष सहित तमाम ग्राम प्रधानों एवं ग्रामीणों ने जनपद मुख्यालय गौरीगंज पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए थाना अध्यक्ष को तत्काल हटाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हमारे यहाँ एक अखिलेश गुप्ता SO ने हमारे जनप्रतिनिधि हमारे प्रधानों के साथ अभद्रता की है, उसी के संबंध में हम लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक साहब को प्रार्थना पत्र दिया है कि उनको हमारे थाने से हटाकर दूसरा थाना अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। हरदोई जिले में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने एक बुजुर्ग को अपना निशाना बना लिया। दरअसल बुजुर्ग अपने बेटे की डायलिसिस के लिए बैंक से रुपया लेकर जा रहा था, तभी घर के पास से बुजुर्ग से पैदल जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बैग में 35,000 रुपए थे। फिलहाल लूट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस CCTV फुटेज के सहारे बदमाशों की तलाश कर रही है। हमारी डायलिसिस बच्चे की डायलिसिस हो रही है, जिसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी, तो हम बैंक से 35,000 रुपया लेकर के और रिक्शे से घर आ रहे थे, तो घर में के पड़ोस में एक पुलिया बनने के लिए खंदक खुदा हुआ था, तो इसलिए हम रिक्शे से उतर लिए, पैदल वहाँ से अपने घर आ रहे थे। इतने में मोटरसाइकिल से दो लोग आए और जिसने पीछे वाले बैठे हुए आदमी ने बैग को छीन लिया और शोर मचाने पर कुछ लोग और दौड़ के आए, तब तक और मोटरसाइकिल से भाग गए। ये थाना कोतवाली शहर का मामला है। एक अतुल मिश्रा हैं, रहने वाले आवास विकास कॉलोनी के हैं। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनके पिताजी बैंक से पैसा निकाल करके जा रहे थे, जैसे घर के समीप पहुँचे और उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आए और बैग जो है उनका छीन के भाग गए हैं। पुलिस को जिससे सूचना मिली, पुलिस मौके पहुंची है, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, शीघ्र ही घटना का निवारण करके। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर पाकबड़ा थाना इलाके के डींगरपुर रोड के पास भारत हॉस्पिटल और मखदूमी हॉस्पिटल के डॉक्टरों में मरीज का इलाज करने को लेकर बातचीत के दौरान मारपीट तक की नौबत आ गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर भारत नर्सिंग होम के संचालक ने मखदूमी हॉस्पिटल के खिलाफ तहरीर दी है। उसके बाद से महिला डॉक्टर और उसका सहयोगी फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बांदा से है, जहां जल संस्थान के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है और भीषण पानी की समस्या को लेकर के आसरा आवास के लोगों ने सड़क जाम कर दिया है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने बताया कि महीना बीत जाने के बाद भी समर सेविल की मरम्मत नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या है, आज एक महीने से हम लोग पानी नहीं मिल रहा है। पूरे अधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन दे दौड़ धूप किए हैं, आज हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। क्या जाम जाम लगा दिया? हाँ, एक साल पहले भी हम ये प्रॉब्लम आई थी, तो क्या किया सरकार ने, गंदा हैंडपंप लगा के चले गए हैं, तो गंदा नाली की तरह पानी निकल रहा है। ये पानी सरकार पी के दिखाए तो हम पी लेंगे। कहते हैं अभी डेढ़ महीना से ना कोई नल है ना कोई मोटर है, वो जो मोटर जली पड़ी थी वो भी नहीं बन पा रहा, अब पानी गंदा निकलता है। अब बताओ पिए का पीने लायक पानी नहीं, यूज करने का तो दूर की बात है, कहाँ जाए कहाँ। हैंडपम्प नहीं है, हैंडपम्प लगवाया गया दो था, लेकिन बिल्कुल बेकार पड़े, बेकार पानी है। यहाँ कितने देर होगा बैठे हुए आप लोग जाम लगाए हुए? आधा घंटा होगा। तो कोई अधिकारी आया? खबर रायबरेली से है, जहां नसीराबाद थाना क्षेत्र के विशेषपुर गांव में हड़कंप उस समय मच गया जब ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से आहत होकर 22 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर मायके पक्ष ने ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। जब तबीयत खराब थी तो वहाँ डॉक्टर के पास गए तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है क्या, तो लड़की ने बताया नहीं शर्म के मारे हम लोगों को। बाद में बताया गया कि मौसा ऐसे ऐसे किया हमारे साथ इन्होंने, तो हम उसको बिगड़े उगड़े, उन्होंने कहा हमारा बच्चा नहीं है, जहाँ जाना है जो करना है कर लीजिए आप, उसी की वजह से टॉर्चर। आज क्या घटना हुई है? घटना हुई है कल शायद शाम को बातचीत हुई है,
कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तुम किसी और से फंसी हो, मैं जो है कि मीडिया में फैलाऊंगा, ये करूंगा, उसकी वजह से इसने फांसी लगा ली। अलीगढ़ थाना कुआरसी क्षेत्र के महेशपुर तिराहे में एक तेज रफ्तार जंपर ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को JN मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अयोध्या जनपद में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। थाना कुमारगंज और थाना हैदरगंज के बीच कोतवाली नगर में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इनके दिन से अभी 3-4 दिन पहले इनके झगड़ा हुआ था, इनके जो छोटे भाई भी पहले भी हो चुका है। एक बार छोटे भाई ने इनके मारा था तो उसका सर फट गया था, राट से मार दिया था निक्की सिंह के भाई गप्पर ने। फिर उसी बात पे जो है उनकी बात आगानी पता नहीं किस बात की थी। यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम सौरभ सिंह है, उनको किसी ने सर में चोट मारी है और उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ मौके पर पहुँची। आसपास के लोगों, शुरू में ये मामला अज्ञात में था, परंतु आसपास के लोगों से जब पूछताछ हुई तो ये पता चला गोपनीय तरीके से कि कल सौरभ सिंह की एक व्यक्ति है अरजीत सिंह उर्फ निक्की सिंह, उससे झगड़ा हुआ था और संभवतः उसी ने इस घटना को कारित किया होगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल जो आरोपी था अरजीत सिंह उसको पकड़ लिया है और उसे औरैया से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां गाय को बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई और कार में सवार एक की मौत हो गई जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। क्या हादसा हुआ, कौन है ये आपके? सर दीदी है हमारी, गाड़ी से जा रही थी अपने ससुराल। क्या क्या नाम है इनका? साधना गुप्ता। कहाँ है ससुराल इनके? कुर्रा रामपुरा। क्या एक्सपायर हो गई दीदी? हाँ सर एक्सपायर हो गई। किससे जा रही थी, किस गाड़ी से जा रही थी? एसयूवी थी सर, गाड़ी पलट गई सर। गाड़ी पलट गई, ये बच्चा घायल है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।